हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मट्ठी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मट्ठी को आज हम फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम बेक करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी वे में इसे हम बना के रेडी करेंगे और इसमें हम मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम इसमें आटे का यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रंची टेस्टी ये मट्ठी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपी को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं 2 कप गेहूँ के आटे के लूँगी और ये 2 कप गए जी आटे के। इसके साथ ही मैं 1/2 कप बेसन का ऐड करूंगी और इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी। अजवाइन ज़रूर ऐड करें, डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है और बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये गए जी अजवाइन भी। इसके साथ अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसके साथ हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें। थोड़ी सी हल्दी, इसे भी अब हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, 1/2 से भी कम टीस्पून, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं 1/4 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप ऑयल का ऐड किया है और अब हम इसे अच्छी से मिक्स करेंगे, एक सैंडी टेक्सचर जैसा आना चाहिए। और इसे बहुत अच्छे से ऑयल को आटे में मिक्स करें और ये देखें, चाहे दोनों हाथों से ऐसे रब करके या एक हाथ से, ये देखें सैंडी टेक्सचर जैसा आ चुका है। और ये देखें, बस ये ऐसा ही होना चाहिए। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। डो हमें ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है, क्योंकि हम इसे बेक करेंगे इसलिए इसका डो थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए। और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना है। तो बस हमें इसे ज़्यादा गूंदना नहीं है, जैसे आटा हम गूंदते हैं, बस इसका एक बाइंडिंग अच्छे से आनी चाहिए और इसे हम 10-15 मिनट रेस्ट पे रहने देंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें आटा हमारा कितने अच्छे से हो चुका है। बस अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी लोइयां, जितनी हमको मट्ठी बड़ी छोटी जैसे बनानी है उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ और ये देखें लोइयां हमने तोड़ ली सारी। अब हम इसे बेल लेते हैं और बेलने के टाइम हमें इसे ना ही आटा और ना ही घी लगाने की ज़रूरत है, इतने अच्छे से ये हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने ऑयल काफ़ी डाला हुआ है। तो बस ऐसे हम इसे बेल लेते हैं, पहले बड़ी छोटी जैसे आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आप बेल लें और फिर एक फोक की हेल्प से इसे हम प्रिक कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे प्रिक कर लिया और ऐसे ही हम सारी मट्ठियाँ बना के रेडी कर लेते हैं। और मट्ठियाँ अभी मैंने थोड़ी सी बना के रख ली हैं, तो बेकिंग ट्रे हम ले लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, आप चाहे तो ओवन में या कढ़ाई में भी ऐसे ऐसे बेक कर सकते हैं। तो मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ और ये मैंने रख दी जी मट्ठियाँ, अभी 4 ही रखी हैं मैंने। इसके ऊपर आप ऐसे ऑयल लगा दें ब्रश के साथ। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था और इसे हम रखेंगे 180 डिग्री पे। और इसका पहले हम टाइम सेट कर लेते हैं और ये देखिए मैंने इसे 180 डिग्री पे रख दिया हुआ है और इसे हम 15 मिनट्स तक बेक करेंगे। और 15 मिनट्स के बाद अगर टाइम बढ़ाना हो तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने 15 मिनट्स रखे हैं लेकिन ये 16-17 मिनट्स में ही अच्छे से बेक होके रेडी हो गई थी। और ये देखें जी, और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी बेक मट्ठी एकदम रेडी हो गई जी खाने के लिए। आप इसे अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, जैसे आप और जैसे आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी क्रंची बनी है हमारी मट्ठियाँ बिना फ्राई किए हुए भी। और हमने सोचा चलो आज हम इसे बेक करके बनाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बन के ये रेडी हो गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।